हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है हमारा पार्ट थर्ड सॉल्यूशन का। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर अपन आगे पढ़ने जाएंगे, राउल्ट्स लॉ के आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को विद अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं राउल्ट्स लॉ इज़ ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्ट्स लॉ सबसे पहले था क्या, पी ए इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एक्स ए था, और उसमें एक्स ए और एक क्या था एक कंसनट्रेशन पी ए नॉट लगा देते थे। ये क्या था सॉल्यूशन फेज के अंदर, ये मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज, और ये क्या था प्योर वेपर प्रेशर, ये क्या था प्योर वेपर प्रेशर। वैसा ही कुछ हेनरीज लॉ भी होता है। हेनरीज लॉ क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू के एच एक्स था, वेर ये क्या था गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर, ये क्या था मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज। तो ये और के एच, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं जा तो क्या बोला जा सकता है कि के ए इज इक्वल्स टू के एच सॉरी पी पी ए नॉट इज इक्वल्स टू के एच, ऐसा बोला जा सकता है। तो बस यही स्पेशल केस है हेनरीज लॉ एज ए राउल्ट्स लॉ में, यही एक स्पेशल केस है। क्या बोलता है, ये लिख रखा है कि इफ़ वी कंपेयर द राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ देन वी कैन सी दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। सो राउल्ट्स लॉ बिकम द हेनरीज लॉ स्पेशल केस व्हेन के एच बिकम्स इक्वल टू पी वन नॉट प्रेशर। ओके, व्हेन द पार्शियल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द पी वन नॉट प्रेशर। दो मिनट रुकिए, मैं इसको रब कर दूँ। ओके, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं था, अब ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक अपन ने कौन सा वेपर प्रेशर पढ़ा था, अभी तक अपन ने वेपर प्रेशर पढ़ा था जो अपना कौन सा वेपर प्रेशर था लिक्विड एंड लिक्विड, जिसके अंदर ये भी एक वॉलेटाइल कंपोनेंट था और ये भी एक वॉलेटाइल कंपोनेंट था। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसका सेकेंड केस जो अपन ने पढ़ा था, इसका सेकेंड केस पढ़ने जा रहे हैं जो मेरा क्या था कि जो मेरा था लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड वाला, सॉलिड इन लिक्विड वाला, जिसके अंदर मेरा लिक्विड ही सिर्फ एक अकेला वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा, ये नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा, ये नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा। जैसे अगर मैं शुगर इन शुगर की बात करूँ तो शुगर इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। ओके, शुगर एक बेस्ट एग्जांपल नॉन वॉलेटाइल, जैसे यूरिया, यूरिया सॉलिड्स में भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वैसे सॉल्ट, ये सब क्या मेरे एग्जांपल है नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के एग्जांपल है। तो अपन देखने आ रहे हैं सॉलिड एंड लिक्विड, जिसके अंदर एक लिक्विड के अंदर मैं एक सॉलिड डिसॉल्व करूँगा। ओके, सबसे पहले जैसे देख लीजिए, मैंने एक बीकर लिया है जिसके अंदर मैंने प्योर वेपर प्रेशर रखा। तो एक बीकर है जिसके अंदर एक प्योर, सबसे पहले मैंने एक प्योर सॉल्वेंट लिया है, ये मेरा क्या है प्योर सॉल्वेंट है, ये मेरा क्या है प्योर सॉल्वेंट है। मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट H2, मैंने सबसे पहले ऐसे H2 ले लिया है, मैंने क्या ले लिया एज एन H2 सबसे पहले ले लिया है। तो H2O चूँकि मेरा क्या है H2O चूँकि मेरा क्या एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है, ये वॉलेटाइल कंपोनेंट होने की वजह से ये वेपर्स प्रेशर क्रिएट करेगा, ये वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इसने अपने मॉलिक्यूल गैसियस फेज के अंदर एग्जिस्ट करा दिए, इसने अपने मॉलिक्यूल्स गैसियस फेज के अंदर एग्जिस्ट करा दिए। पर जब मैं इसके अंदर क्या डाल दूंगा, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दूंगा, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जो इनसे डिनोट किए गए हैं, जो इनसाइड इनोड। तो मैंने जब इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो मैंने देखा इसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर अब जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे पहले सरफेस के ऊपर इतने सारे मॉलिक्यूल थे पर अब सरफेस के ऊपर आने वाले मॉलिक्यूल लेस नंबर में हो गए, उसकी वजह से क्या हुआ वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि जो वेपर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स अब जा रहे हैं वो कम एस्केप होंगे, उसके कारण वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा। अब जब वेपर प्रेशर कम क्रिएट हो रहा है तो उसके कारण मेरा वेपर भी कम होगा। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, इसे ही अपन क्या कहते हैं कि हमारा, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन फेज के अंदर जो वेपर प्रेशर होता है उस कंपोनेंट का वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू उसके वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, एज़ कम्पेयर टू उसके वॉलेटाइल कंपोनेंट्स है। तो एक और बार समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या था, ये मेरा प्योर फॉर्म था, तो अकेला मेरा वो सॉल्वेंट ही प्रेजेंट होगा, पर जैसे ही मैंने इसके अंदर अब क्या डाल दिया, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया NYS डाल दिया, तो उसके कारण क्या हुआ अब सरफेस के ऊपर दोनों मॉलिक्यूल्स आ गए, अब सरफेस के ऊपर क्या आ गए दोनों मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करने लगा है। तो उस दोनों मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करने की वजह से क्योंकि वो तो नॉन वॉलेटाइल है तो वो एस्केप नहीं होगा अब। पर जो सरफेस के ऊपर दोनों के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर गए, जो पहले की दस मॉलिक्यूल्स थे सरफेस के ऊपर, अब सरफेस के ऊपर 5 मॉलिक्यूल ही रह गए, तो एस्केप करने वाले मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो वो कम वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब चूंकि वो कम वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि प्योर वेपर प्रेशर के अंदर जो वेपर प्रेशर था वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन फेज। तो यही
यही होगा ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर यही बातें लिख रखी है। इन द प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस यहाँ से स्टार्ट करूँ, इन द प्योर लिक्विड एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सोली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलॉग, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट एट सेम टेम्परेचर एंड द सर्फेस एज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सर्फेस देयर बाय द एक्शन ऑफ सर्फेस इज कवर्ड बाय सॉल्वेंट गेट्स रिड्यूस्ड। तो साफ बात लिख रखी, अब जो सरफेस के ऊपर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो नंबर उनके क्या हो गए, रिड्यूस्ड हो गए हैं, उसके कारण द नंबर ऑफ द सॉल्वेंट एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज कॉरस्पॉन्डली रिड्यूस, सो द वेपर प्रेशर इज ऑल्सो गेट रिड्यूस। तो सीधी बात समझ में आ गई, क्या कहना चाहता है, बात समझ में आ गई कि प्योर वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा, एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन फेज। तो यही बात ये कहना चाहता है। ओके, मैं हटा देता हूँ एक बार इसको, ये लिख रखा है, सो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कितना ऐड किया। ये जो बात एग्जांपल, ये अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर समझेंगे, आगे एक और टॉपिक आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर समझेंगे। तो आप समझ जाइए वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जब मैं एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालता हूं। अब राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट क्या था कि पार्शियल प्रेशर फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। तो इधर एक सॉल्वेंट था और एक सॉल्यूट था, ये तो नॉन वॉलेटाइल है और ये वॉलेटाइल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है जो वेपर फेज में प्रेजेंट है वो ही इस बार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ वेपर प्रेशर के अंदर, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो वो कोई कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं अपना। तो इस बार कौन से कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस बार सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो ही वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे एक सरफेस के ऊपर। तो उसी के कारण हम देखेंगे, तो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज एक्स, मैंने मान लिया एक्स वन उसका मोल फ्रैक्शन है और वेपर प्रेशर वो क्रिएट कर रहे हैं वो ये है। तो एक्स, ये पी वन वो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, एक्स वन वो मोल फ्रैक्शन है और पी वन क्या है, प्योर वेपर प्रेशर। सो द पी वन इज एक्स वन नॉट एक्स वन, ये उसका स्पेशल केस बोल सकते हैं। ये वाला जो अभी अपन समझ रहे हैं ये मान लीजिए एक उसका स्पेशल केस है, उसका रियल फॉर्मूला क्या था, पी टी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब अपन इसका केस बना लिया है, केस फर्स्ट बोल दिया, जिसके अंदर मैंने बोला है कि ये बी मेरा जो सॉल्यूट था, ये इसका जो वेपर प्रेशर है वो ज़ीरो हो गया, इसका जो वेपर प्रेशर है वो पी बी नॉट ज़ीरो हो गया। पी बी नॉट ज़ीरो मतलब ये एक एन वी एस है, ये एक एन वी एस है मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, चूँकि ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो इसका वेपर प्रेशर कुछ क्रिएट नहीं होगा तो ज़ीरो हो गया। चूँकि ये ज़ीरो हो गया तो मेरे पास सॉल्यूट में सिर्फ क्या बचा, एक्स ए बचा, ए कंपोनेंट ही बता, तो उसके कारण ही इस बार टोटल वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, उसी के कारण टोटल वो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उस लिक्विड सॉल्यूशन के फेस के ऊपर। हाँ, अब इसका ग्राफ भी समझ लेते, ग्राफ क्या, इधर मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्रोड्यूस किया, इधर वेपर प्रेशर प्रोड्यूस किया, देख रहा हूँ कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका जो स्लोप है वो पी वन नॉट के बराबर है। ओके, इसका स्लोप क्या है, पी वन नॉट के बराबर है। तो चीज़ समझ में आ गई क्या है और वो क्या था, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अब अपन देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ये आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन असली में होते क्या है। हाँ, तो देखो आइडियल सॉल्यूशन हम जब जैसे आते हैं जो हर चीज़ को फॉलो करे वो एक आइडियल होता है, तो वैसा ही आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे। अब राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन को जो ओबे करता है हर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ, और इसकी और भी कंडीशंस होती है, मैं सबसे पहले एक साथ समझा देता हूँ तो मैं लिख देता हूँ आइडियल सॉल्यूशन। अब मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, आइडियल सॉल्यूशन समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन होता क्या,
तो मैंने अभी कहा कि वो ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे हर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के ऊपर, उसे अपन क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। उसे उस सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जी सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि जो राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन को ओबे कर रहा है वो मेरा क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। दो मिनट रुकिए, मैं पूरा मिटा देता हूँ, फिर से लिख दूंगा मैं, दो मिनट रुक जाइए, ये गलत हो गया थोड़ा सा, तो मैं लिख रहा हूँ आइडियल सॉल्यूशन, समझा रहा हूँ मैं आपको, और सबसे पहली कंडीशन राउल्ट्स लॉ। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, दूसरी कंडीशन क्या, जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी है ए प्लस ए ए ए ए इनके बीच में एक बॉन्ड प्लस बी बी इनके बीच में एक बॉन्ड है, और इससे मेरे को मिल रहा है सी सी, सॉरी इससे मुझे मिल रहा है ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए बी मिलेगा। हाँ तो देखो ये क्या बोलता है, जो ए ए के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो ए ए के बीच में मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या फिर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को मैं एफ ओ ए बोल देता हूँ, जो ए ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बी बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर वो तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हुए तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। वो एक क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। मतलब कैसे, समझिए, मतलब एफ ओ ए प्रेजेंट इन ए, मतलब जैसी जैसा टाइप ऑफ अट्रैक्शन ए ए के मॉलिक्यूल के अंदर है, अगर वैसा ही टाइप ऑफ अट्रैक्शन बी बी के मॉलिक्यूल के अंदर हुआ, और वैसा ही टाइप ऑफ अट्रैक्शन अगर ए बी के मॉलिक्यूल के बीच में हुआ, तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेगा। मतलब जैसा बॉन्ड ए के बीच में प्रेजेंट है, और जैसा बॉन्ड बी बी के बीच में प्रेजेंट होगा, और जैसा ही बॉन्ड ए बी के बीच में बनेगा, तो अगर वो तीनों के तीनों बॉन्ड्स सेम हुए, तीनों के तीनों बॉन्ड्स क्या हुए, सेम हुए, तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेगा। वो कैसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा, एक आइडियल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेगा। सो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द ए मॉलिक्यूल बी बी मॉलिक्यूल एंड ए बी मॉलिक्यूल आर सेम, देन इट इज़ नोन एज फोर्स, देन इट इज़ नोन एज दैट टाइप ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सो आइडियल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग टू कंपोनेंट्स ए एंड बी इन प्योर द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन ऑफ द ए एंड बी बी वेर इज द बाइनरी सॉल्यूशन एडिशन ऑफ टू ए बी of the interaction will also present in intermolecular forces AA and AB is equal to those present between AB। बोलना क्या चाहता है कि जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए में प्रेजेंट है, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी में प्रेजेंट है, और अगर वैसे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बी बी में प्रेजेंट होंगे और ए बी में प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या बनाएगा, एक आइडियल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेगा, आइडियल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेगा। ये दूसरी कंडीशन हो गई एक आइडियल सॉल्यूशन को प्रिपेयर होने की, आइडियल सॉल्यूशन देखने की। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। देखो जैसे कि मैंने कहा ए को तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है, जितनी जैसा बॉन्ड है वैसा बॉन्ड बी बी के अंदर है, और वैसा ही बॉन्ड ए बी के अंदर है, तो मतलब जैसी एनर्जी, जितनी एनर्जी मेरे को ए बी के अंदर, ए ए के अंदर लगी, क्योंकि तीनों के अंदर सेम टाइप ऑफ बॉन्ड है तो तीनों के अंदर सेम ही एनर्जी लगेगी, तो जैसी एनर्जी ए बी ए के अंदर लगेगी वैसी एनर्जी बी बी के अंदर लगेगी, और वैसी एनर्जी मेरे को ए ए बी के अंदर लगेगी। तो बस यही कि ए ए प्लस ए बी गिव्स ट्वाइस ए बी है, तो इसके अंदर जो एनर्जी लगी, तो मैं इसको डेल्टा एच को क्या लिख सकता हूँ, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ टू एच है और यहाँ एच प्लस एच टू एच हो गया, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या हो गया, अगर जीरो हो जाता है किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर, तो उसे एक आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि ए बी के अंदर भी वैसे टाइप ऑफ बॉन्ड है जैसे बी बी के अंदर है, और जैसे ए ए के अंदर है, तो तीनों के अंदर सेम टाइप ऑफ बॉन्ड है, तो तीनों के अंदर सेम टाइप ऑफ एनर्जी लग रही, और इधर ए और इनको तोड़ने में मान लो 20 जूल लग गई, और ए बी को तोड़ने में भी 20 जूल लग गई, पर वो ट्वाइस ए बी है तो वो 40 जूल हो जाएगा, तो 20 + 20 = 40 जूल, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो गया, जीरो हो गया, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो गया, जीरो हो गया। तो चीज़ समझ में आ गई, लिख रखा है यहाँ ये बात लिख रखी, वैसा ही जैसे डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हुआ है, वैसे ही डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होता है। हाँ, जैसे डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हुआ है, वैसे ही डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होता है। मतलब डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों के दिनों अगर जीरो हो जाते हैं और राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, और अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सेम हो जाते हैं, तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करता है। तो चारों कंडीशन समझ में आ गई, कोई भी पूछे राउल्ट सॉल्यूशन के बारे में, अपन को चारों चीज़ें आनी चाहिए, ये 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 और ये,
ठीक है, चीज़ समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। अब एग्जांपल की बात करते हैं राउल्ट सॉल्यूशन का। एक बेस्ट एग्जांपल होता है हेप्टेन एंड हेक्सेन, बेंजीन एंड टाउलीन, ये बेस्ट एग्जांपल होते हैं जिन मतलब जो लगते एक ही जैसे हैं, जैसे हेप्टेन एंड हेक्सेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन एंड टाउलीन, तो ये लगते सब एक ही जैसे हैं। तो इनके बीच में अपन सब जानते हैं कि बेंजीन, हेक्सेन और हेप्टेन के बीच में सेम टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, वंडर वाल्स फोर्सेस कहते हैं, वंडर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। तो दोनों के अंदर सेम टाइप ऑफ फोर्सेस लगते हैं, तो दोनों के अंदर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम होगा, जो इनसे कंपाउंड बनेगा बाद में वो भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम ही होंगे। तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहा है। ओके, तो आइडियल सॉल्यूशन का जो हर चीज़ को फॉलो करे, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का नहीं होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन थोड़ा बदतमीज़ होता है, ये राउल्ट्स लॉ को ओबे बिल्कुल भी नहीं करता। डू नॉट ओबे, नॉट ओबे, ये राउल्ट्स लॉ को बिल्कुल भी ओबे नहीं करता, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके ना ओबे करने की वजह से अब आइदर ऐसा हो सकता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर आइदर इंक्रीज हो जाए या आइदर डिक्रीज होता है, आइदर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज होता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का बिहेवियर कैसा बोलता था, राउल्ट्स लॉ का ग्राफ कुछ इस तरीके का बोलता था, पहले ऐसा फिर ऐसा और फिर ऐसा, ऐसा थोड़ा मतलब स्ट्रेट लाइन बन गई है टोटल वेपर प्रेशर वाली, आइदर ऐसा इधर ऐसा और इधर ऐसा, ऐसा बोलता था। पर चूंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, राउल्ट्स लॉ को डिसओबे कर रहा है, तो इधर इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, इधर इंक्रीज होगा या फिर इधर डिक्रीज होगा, तो अपन वो देखेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर फिर दो डेविएशन आ जाते हैं पढ़ने लायक, एक पॉजिटिव डेविएशन आ जाता है और एक नेगेटिव डेविएशन आ जाता है। दोनों डेविएशन की स्टडी करेंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और एक नेगेटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है और नेगेटिव डिवीजन के अंदर वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है आइडियल सॉल्यूशन से। अगर पॉजिटिव डिवीजन बोला मतलब पॉजिटिव वेपर प्रेशर आएगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, पर अगर उसने बोला नेगेटिव डिवीजन तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ से जो वेपर प्रेशर निकला उससे भी कम वेपर प्रेशर हो जाएगा, उससे भी कम वेपर प्रेशर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है वो अपन स्टडी करेंगे। सीधा मेन उसका मुद्दा है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के कारण। सबसे पहले मैं पूरी चीज़ मिटा दूँ, ये पूरी चीज़ मिटा दी, ये बढ़िया तरीका, पूरा छोटा करो फिर जूम, ठीक है। तो समझते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, पॉजिटिव डिवीजन। पॉजिटिव डिवीजन, पॉजिटिव डिवीजन होता क्यों है, मैंने सीधी बात की, पॉजिटिव डिवीजन आता क्यों है, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर बढ़ने की वजह से पॉजिटिव डिवीजन। अब वेपर प्रेशर कैसे बनेगा, जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी, ए ए प्लस बी बी, ये वाली रिएक्शन लिखी। हाँ देखते हैं, ए ए प्लस बी बी इजिकल्स टू ट्वाइस, अरे ट्वाइस ए बी, ये एक रिएक्शन लिखी मैंने, ये मैंने क्या लिखी, एक रिएक्शन लिखी। अब मुझे देखना है कि इसमें वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा। मान लीजिए इसके अंदर आई एफ वन फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके अंदर एफ टू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं और इसके अंदर एफ थ्री फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं। हाँ, वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जब इनके बनने वाला जो रिजल्टेंट बॉन्ड है वो वीक होगा, मतलब जब F3 की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू F1 एंड F2, मतलब F3 की वैल्यू जब कम होगी एज कम्पेयर टू, मतलब ये दोनों क्वांटिटी, मतलब ये दोनों की दोनों क्वांटिटी F3 से ज़्यादा हुई, F1 एंड F2 अगर F3 से ज़्यादा हुई या फिर F3 F1 एंड F2 से कम होगा, तो अगर इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गए हैं तो वो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, और अगर वो बॉन्ड इजीली टूट रहा है तो वो वेपर प्रेशर को क्रिएट बढ़ाएगा। हाँ, वो वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा। तो सीधी बात यही है, सीधी बात का कंसेप्ट यही है, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो ए बी के बीच में लग रहे हैं, जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में लग रहे हैं, और अगर वो वीक हैं तो वो ईजियर तरीके से वो बाहर चले जाएगा एज कम्पेयर टू देयर प्योर, एज कम्पेयर टू देयर प्योर। तो सीधी बात लिख करके, पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ए बी हैज़ ए वीकर मॉलिकुलर इंट्रैक्शंस। दो मिनट, अच्छा हाँ, द ए बी हैज़ अ वीकर मॉलिकुलर इंट्रैक्शन देन ए एंड बी बी। इन दिस केस द मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वीकर दोज प्रेजेंट इन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। अगर उससे वीकर होगा, उसका मतलब है जो मॉलिक्यूल्स और ए और बी के हैं वो ईजियर तरीके से एस्केप हो जाएंगे एज कम्पेयर टू देयर इन प्योर स्टेट, क्योंकि प्योर स्टेट के अंदर तो अच्छी बॉन्डिंग थी, पर जैसे ही वो ए बी जैसे ही वो सॉल्यूशन फेज के अंदर आया, उसकी बॉन्डिंग वीक हो गई, उसकी बॉन्डिंग वीक होने की वजह से वो वेपर प्रेशर
क्रिएट ज़्यादा करेगा तो चीज़ समझ में आई। जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो वीक है एज कम्पेयर टू देर इन प्योर स्टेट, जैसे सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। तो उसके कारण क्या हुआ, वेपर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि बाद में बनने वाला बॉन्ड वीक हो चुका है। ओके, तो दिस रिजल्ट इन टू है पॉजिटिव डिविजन। एग्जाम्पल इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल एंड एसीटोन कैसे एक पॉजिटिव डिविजन शो करता है उसकी बात समझते हैं। देखो इथेनॉल एंड एसीटोन के अंदर क्या होता है, जैसे हम जानते हैं एसीटोन और इथेनॉल के दोनों के स्ट्रक्चर जानते हो, ये C2H5OH होता है और ये CH3OCH3 होता है। हम जैसे कि जानते हैं कि इथेनॉल के अंदर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, अगर मैं दो C2H5 के मॉलिक्यूल लूँगा तो उन दोनों के पास में एच बॉन्डिंग होगी, और अगर मैं दो एसीटोन के मॉलिक्यूल लूँगा तो उन दोनों के पास में अपने आयन डिस्पर्सन फोर्सेज अपने फोर्सेज होंगे। ठीक है, तो देखो जैसे लिख रखा है इन द प्योर दो मिनट पहले मिटा दूँ, इन द प्योर इथेनॉल द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन एडिंग एसीटोन द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेकिंग सम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम ड्यू टू वीकनिंग द इंट्रेक्शन एंड सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डिविजन। तो बात समझ में आई, H2H5 के दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या था, सबसे पहले दो मिनट में मिटा दूँ, सबसे पहले दो C2H5 के मैं मान लिया ये मेरा X, एक पहला C2H5 ये दूसरा C2H, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। दो मिनट रुक जाइए, तो दो C2H5 के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, पर जैसे ही मेरा CH3 COO CH3 का मॉलिक्यूल आएगा वो इस इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, और वो इन दोनों के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देगा। जो पहले स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी अब वो वीक हो गई, मतलब बाद में जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स बने वो वीक हो गए, और उस रिजल्टेंट फोर्स वीक होने की वजह से उसने एक पॉजिटिव डिविजन की तरफ अपना हिस्सा बढ़ाया। तो चीज़ समझ में आई कि इथेनॉल एंड एसीटोन का एक सॉल्यूशन क्या शो करता है, एक पॉजिटिव डिविजन शो करता है। वैसे एग्जांपल है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन का, क्योंकि एसीटोन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, एसीटोन के अंदर डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं दोनों के अंदर, तो उसके कारण जो बाद में रिजल्टेंट बनता है वो उसका वेपर प्रेशर कम होता है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो एक पॉजिटिव डिविजन शो करता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच में एक वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो सिंपल से सीधी सी बात बताने जा रहा हूँ क्यों पॉजिटिव डिविजन क्यों होता है, क्योंकि बाद में बनने वाला फोर्सेस वीक है, उसके कारण वो ज़्यादा वेपर में क्रिएट होता है। अब इसका ग्राफ देखते हैं पॉजिटिव डिविजन का। मैंने कहा था वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो हर क्वांटिटी का वेपर प्रेशर बढ़ाना है अपन को, इसका भी और रिजल्टेंट का भी। तो ये मेरा ग्राफ हो गया किसका, पॉजिटिव डिविजन का। तो ग्राफ नोट करना, सीधा राउल्ट्स लॉ का बाद ग्राफ बनाना और हर को एक एक क्वांटिटी से ऊपर कर देना। ठीक है, तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, मतलब अधिकतर ग्राफ इंपॉर्टेंट है इस केमिकल काइनेटिक्स और ऐसे चैप्टर्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ग्राफ अपन को नॉर्मली याद होने चाहिए। ओके, अब इस नेगेटिव डिविजन को भी समझते हैं। नेगेटिव डिविजन क्या है, नेगेटिव डिविजन कुछ नहीं होता, वेपर प्रेशर के डिक्रीमेंट को ही मैं क्या कहता हूँ, नेगेटिव डिविजन कहता हूँ। वेपर प्रेशर के डिक्रीमेंट को ही मैं क्या कहता हूँ, नेगेटिव डिविजन कहता हूँ। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है वो तो नेगेटिव डिविजन शो करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे एक फोर्सेस प्रेजेंट है ए ए बी बी विच गिव्स ट्वाइस ए बी। अगर ये जो बनने वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये नेगेटिव डिविजन कब शो करेंगे, जब मैंने कहा था वेपर प्रेशर घटेगा। अगर ये जो बनने वाला जो फोर्सेस है, अगर ये फोर्स स्ट्रांग हुआ एज कम्पेयर टू इनके अंदर, तो एक नेगेटिव डिविजन शो करेगा। मतलब मान लीजिए F1, F2 और ये F3 है, अगर F3 की वैल्यू F1 एंड F2 से ज़्यादा हुई तो अगर इनके बीच में लगने वाला फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है या इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसके कारण बाद में बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और अगर बाद में बनने वाला स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो वो ईजिली अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा बॉन्ड कहलाएगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो नेगेटिव डिविजन क्यों शो करता है, क्योंकि ए और बी बी के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो वीकर होता है एज कम्पेयर टू विच इज़ प्रेजेंट इन ए बी, उसके कारण मेरा नेगेटिव डिविजन आ जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है, फिनॉल एंड एनिलीन जब ये दोनों मिलते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू इनके अंदर जो पहले से बॉन्ड प्रेजेंट था, तो
ये क्या शो करेगा, एक मेरा नेगेटिव डिविजन शो करेगा। इनके अंदर भी प्रेजेंट है पर वो इतने स्ट्रॉन्गर नहीं थे एज़ कम्पेयर टू जो उनके अंदर प्रेजेंट हुआ है। तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक नेगेटिव डिविजन शो करेगा, क्योंकि बाद में बनने वाले बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होगा एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो उसके कारण वेपर प्रेशर घट जाएगा, अब ज़्यादा वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। वैसे एग्जाम्पल एसीटोन एंड SCHCl3 का होगा, क्योंकि CHCl3 के अंदर CH आ रहा है और एसीटोन के अंदर O आ रहा है, तो उन दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से ये बाद में बनने वाले जो भी फोर्सेस होंगे ये फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांगर होती है एज़ कम्पेयर टू वंडरवॉल फोर्सेस और एज़ कम्पेयर टू आयन डाइप जो भी फोर्सेस है। तो उसके कारण क्या होगा, मेरे स्ट्रांगर बॉन्डिंग होने की वजह से ये नेगेटिव डिविजन शो करेंगे। तो नेगेटिव डिविजन के अंदर क्या होता है, बाद में बनने वाले फोर्सेस स्ट्रांगर होते हैं, और पॉजिटिव डिविजन के अंदर जो बाद में बनने वाले फोर्सेस होते हैं वो वीकर होते हैं। चीज़ समझ में आ गई? तो मतलब अब ज़्यादा टेंडेंसी होगी नेगेटिव डिविजन के अंदर, कम टेंडेंसी होगी एस्केप होने की, पर पॉजिटिव डिविजन के अंदर ज़्यादा टेंडेंसी है एस्केप होने की। चूँकि नेगेटिव डिविजन के अंदर वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, तो सारे वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गए, सारे वेपर प्रेशर क्या हो गए, डिक्रीज़ हो गए। देखो ये वाला भी डिक्रीज़, इसमें सब वेपर प्रेशर बढ़ गए। तो समझ में आ गया फोर्सेस, समझ में आ गया पॉजिटिव नेगेटिव डिविजन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। हाँ तो एक बार समराइज कर देता हूँ थोड़ी चीज। आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करे। इसके भी फर्दर दो टाइप्स, पॉजिटिव डिविजन नेगेटिव डिविजन। पॉजिटिव के अंदर वेपर प्रेशर इंक्रीज, इसके अंदर वेपर प्रेशर डिक्रीज। जो ए बी का फोर्स है वीकर एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, ए बी का फोर्स स्ट्रांग। एग्जाम्पल भी याद रखना है अपन को, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ उसके कारण एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल मेरा एक एसीटोन और मेरा C2H5OH, और इसके अंदर नेगेटिव डिविजन के अंदर फिनॉल एंड एनिलीन, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से, इनके अंदर पहले से थी और बाद में और वीक हो गई, इनके अंदर पहले से तो थी और बाद में आने के बाद और स्ट्रांग हो गई। तो चीज़ समझ में आ गई पूरा आइडियल नॉन आइडियल के बारे में। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।